subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यून माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कोरोना महामारी की वजह से आप लोग का सिलेबस हुआ 30% ऑफ। तो इसमें ये बताया जाएगा कि आप लोगों को सिलेबस से क्या क्या निकाल दिया गया है। ये हम इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल बताएंगे कि आप लोगों को सिलेबस से क्या क्या निकाल दिया गया और क्या क्या सिलेबस में और क्या क्या हम लोगों को नहीं पढ़ना है, कौन सा कितना नंबर का, ये भी आप लोगों को बताएंगे लाइन बाई लाइन करके। तो आज हम इस वीडियो में हम केवल इंग्लिश का बताएंगे, अगले वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान का हो जाएगा या केमिस्ट्री का या उसके बाद उस फिजिक्स का, ऐसे लाइन बाई लाइन करके हम लोग एक एक वीडियो करके अपलोड कर देंगे। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को एंड प्रेस द पर बेल आइकन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं कि आप लोगों को कितना कम हुआ, 30% कितना आप हुआ, कैसे सिलेबस और कौन कौन सा सब्जेक्ट से आप लोगों को निकाल दिया है, सिलेबस से आप लोगों का निकाल दिया। तो बताते हैं इंग्लिश का, क्लास 12 का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हुआ कोविड-19 की वजह से 30% कम, मतलब हम लोग का 30% कम पढ़ना पड़ेगा। उसी में नंबर आप लोगों को दे देगा, थोड़ा सा ऐड करके नंबर पढ़ा देगा। तो देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट निकाल दिया, कौन कौन सा सिलेबस में से चैप्टर निकाल दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंग्लिश प्रोज। ठीक है ना, इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश फर्स्ट में इंग्लिश प्रोज निकाल दिया गया। इंग्लिश प्रोज में क्या क्या निकाल दिया गया ये देखिएगा। तो इंग्लिश प्रोज में हम लोग का पहला पार्ट निकाल दिया गया। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या दिया हम लोग का, सॉरी पहला पार्ट नहीं, ये हम लोग का तीसरा पार्ट है, सॉरी निकाला गया पहला, हम लोग लिख दिया, ये हम लोग का तीसरा है, शायद ये हम लोग का पांचवा पार्ट है या चौथा पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट दिया है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। ठीक है, तो ये हम लोग को अब नहीं पढ़ना है। क्या करना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से 30% आप होने के कारण ये सिलेबस से निकल चुका है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा दिया इसमें का पाँचवा हम लोग का जो लेसन है, आई एम जॉन्स हार्ट। ठीक है, आई एम जॉन्स हार्ट, मैं जॉन्स का हृदय हूँ। तो ये भी पार्ट हम लोग का सिलेबस से निकाल दिया गया। बाकी जो बचेगा प्रोज का हम लोग का पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग पोएट्री में, पोएट्री में देख लेते हैं पोएट्री से हम लोग क्या क्या निकाल दिया है। ये आप लोग की बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है कि आप लोगों का 30% हो गया सिलेबस ऑफ। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो को देखना ना भूलिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो को पूरा बताया जाएगा कि क्या क्या सिलेबस से निकाल दिया गया और कैसे कैसे निकाल दिया गया। आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बता देगा कि क्या क्या दिया गया, क्या क्या निकाल दिया गया, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश पोएट्री, पोएट्री में हम लोग क्या निकाल दिया गया, चौथा पार्ट, छठवां पार्ट और नौवां पार्ट। ठीक है, बाकी जो पार्ट बचा है उसमें अभी अवेलेबल है। तो देखिए छठवां पार्ट, क्या पार्ट का नाम दिया है, फ्रॉम एन इग्ली रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। ठीक है, तो ये हम लोग चर्च यार्ड वाला पार्ट हम लोग को क्या सिलेबस से निकाल दिया गया, इसको अब हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो देखिए ये तो प्रोज का इतना पार्ट निकाल दिया, इसको भी नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है। और देखिए क्या दिया, ला बेल डैम सैन मर्सी, ये भी हम लोग को पार्ट से निकाल दिया गया, इसको भी अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इसको निकाल दिया गया, तब देखिए इतना पार्ट हम लोग को सिलेबस से आउट कर दिया गया। तो अभी बताएंगे कि इसके बाद के कितना सिलेबस में अभी इन है और कितना कितना नंबर का कौन कौन सा सिलेबस दिया जाएगा, ये हम अभी बताएंगे। अगला देख लेते हैं नौवा, नौवा दिया स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोविंग इवनिंग, मतलब ये भी हम लोग को पार्ट से निकाल दिया गया, नौवा पार्ट भी हम लोग को सिलेबस से निकाल दिया गया। अब आते हैं इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के बारे में। अब इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में देखिए क्या क्या निकाल दिया गया, तो दिया चौथा पार्ट, चौथा पार्ट जो है द स्पेशल एक्सपीरियंस। ठीक है ना, तो ये पार्ट हम लोग को निकाल दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप लोग जो पढ़ते होंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो आप लोगों को 10 नंबर देता था, उसको भी इस पार्ट से अब निकाल दिया गया। अब उसका भी 10 नंबर किसी और में ऐड करके दे देगा। जैसे कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर, हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ये क्या होता है, ये आता है, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, और सिंथेसिस है, सिंटैक्स है या ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पहले 2-2 नंबर में आता था, अब आप 3-3 नंबर में इसको ट्रांसलेट कर देगा, मतलब 3-3 नंबर में 1-1 नंबर इन्हीं लोगों का काट के 1-1 नंबर उसमें बढ़ा देगा, आइडल फॉर्म होगा या इस सबसे सब 1-1 नंबर करके उसमें बढ़ा देंगे। और ये भी हटा दिए गए हम लोगों का क्या, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी पार्ट से हम लोग का निकाल दिए गए, ये भी अब हम लोग को नहीं पढ़ना है कोरोना बीमारी के कारण। तो देखिए इतना हम लोग को सिलेबस से आउट कर दिया गया, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, ये हम आपको बता देते हैं, देखते हैं आगे हम लोग इसके बाद बता देते हैं कि हम लोग सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कितने कितने नंबर का, ये भी आप लोगों को बता देते हैं। ये बताते हैं आप लोगों को 70% में से क्या क्या आएगा, तो बता देते हैं। देखिए दिया 70% जो बचा है,
जो सिलेबस में बचा है वो क्या क्या बचा है और कितना कितना नंबर कैसे कैसे बचा है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में बताने चाह रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। इसके बाद वाला बताएं कि इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री का किसी चीज़ का एक का अपलोड करके उसके बाद आप लोग को बता देंगे, और उसमें भी आप लोग को विस्तार से बताएंगे कौन सा हेडिंग हम लोग को हटा दिया, कौन सा हेडिंग बचा हुआ है। इसमें चलिए बताते हैं, देखिए दिया इसमें पहले प्रोज, इसमें सेक्शन ए, सेक्शन ए में हम लोग का कितना नंबर का 50 नंबर का बचा है, और सेक्शन बी में भी 50 नंबर का, तो सेक्शन बी वाला का हम अभी बता देंगे आगे चल के। तो देखिए प्रोज में क्या क्या है, प्रोज में दिया है एक्सप्लेनेशन विथ रिफरेंस टू द करेक्ट वन पैसेज, मतलब दो पैसेज देगा, दोनों में से कोई एक पैसेज आप लोग को करना होगा, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस दोनों करना होगा। कितने नंबर में, आप लोग को 10 नंबर में। तो ये जो प्रोज है, प्रोज से हम लोग को 19 नंबर मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रोज से हम लोग को 19 नंबर, पोएट्री से हम लोग को 17 नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है इससे, इससे और इससे, मतलब इससे हम लोग का 10 नंबर और इससे कितना नंबर, 4 नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये 4 इसमें 20, 20 20 40 10 50, 50 नंबर हो जाएगा कि नहीं, तो 50 नंबर इसी से हम लोग को मिल जाएगा। तो प्रोज में क्या बचा है, पहला एक्सप्लेनेशन विथ रिफरेंस, रिफरेंस के साथ, ठीक है ना, तो इस रिफरेंस के साथ एक्सप्लेनेशन उसका करना है, तो कितने नंबर में हम लोग आएगा, अब 10 नंबर में आएगा, ठीक है। तो पहले कुछ 8 नंबर में आता था, या 4-4 नंबर करके 8 नंबर में आता था, या इससे कम भी आता था। अब देखिए इसमें क्या गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हटा दिया गया, ठीक है, क्या किया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से हटा दिया है। शॉर्ट आंसर टाइप देखिए क्या दिया है, वन शॉर्ट ऑफ आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 वर्ड्स के कमी होना चाहिए, ठीक है, तो इसके अंडर में दे देना चाहिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर में आता था, अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप कितना है, 5 नंबर में आएगा, ठीक है, तो 5 नंबर में आएगा। उसके बाद दिया ओकाबुलेरी, मतलब ये शब्द कोश होता है, ठीक है ना, डी के सेंडरी आप लोग नाम सुनेंगे तो वही उसको कहते हैं ओकाबुलेरी, मतलब मीनिंग, तो मीनिंग आएगा बेस ऑन द टेक्स्ट, मतलब अपने किताब के अनुसार ही आएगा, कितना नंबर में, 4 नंबर में, 4 आएगा चाहे एक एक नंबर का, तो मतलब 4 नंबर आएगा। इनको पूरा जोड़ेंगे तो हम लोग को 19 नंबर या प्रोज से आ गया, ठीक है। अब देखिए पोएट्री से हम लोग कितना नंबर आता है, पोएट्री में आता है, पोएट्री में दिया एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द करेक्ट ऑफ वन टेक्स्ट, मतलब केवल एक पैसेज का हम लोग का क्या रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन रखना है, तो इस कितना नंबर का, ये भी 10 नंबर का, तो देखिए ये भी 10 नंबर का था, ये 5 नंबर, ये 4 नंबर, ये 10 नंबर में आ गया, ठीक है। इतना तो हम लोग जान गए क्या क्या आ गया। अब आते हैं बी वाला, बी वाला दिया सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम्स, किसी भी एक पार्ट का, किसी भी एक पार्ट का हम लोग को सेंट्रल आइडिया आप लोगों को लिख के देना है, तो वो कितने नंबर में, पहले सेंट्रल आइडिया 5 नंबर में आता था, अब सेंट्रल आइडिया कितने नंबर में, 7 नंबर में आएगा, इससे 7 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, हम लोग आगे बताते हैं कि इसमें तीसरा जो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी से केवल 2 क्वेश्चन आएंगे, टू शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे, 30 वर्ड से कम ही रहेंगे, तो दो शॉर्ट स्टोरी का 2 क्वेश्चन आप लोग को करना है, तो ये कितना नंबर में, एक 5-5 नंबर का रहेगा, 2 रहेगा 5×10 नंबर का, ये साइड में सब आप लोगों को नंबर दिया गया, 10 नंबर का हो जाएगा। चलिए अब आते हैं देखिए फिगर ऑफ स्पीच में, तो फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि शैम्पू जिसे हम लोग कहते हैं पूरा, उसमें अलग अलग नाम दिया गया है, तो शैम्पू उसका फुल नेम होता है। मतलब क्या है, डिफिनेशन ऑफ एनी वंस ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ टू एग्जांपल, मतलब क्या करना है, जो पहले आप लोगों को 2 नंबर में दिया रहा था, अब उसको 4 नंबर में करके दे दिया है, मतलब एक एग्जाम्पल और दो, सॉरी एक डिफिनेशन और एक दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सॉरी डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल आप लोग को लिख देना है, उससे आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। शैम्पू में से 4ों में से सॉरी 7ों में से कोई एक का दिया जाएगा, जो दिया जाएगा उसी का हम लोग को लिखना है। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, अब देखते हैं सेक्शन बी में कितना कितना नियम नंबर दिया और कौन कौन से कितना नंबर पर रहेगा। तो देखिए अब आते हैं सेक्शन बी में, सेक्शन बी में देखते हैं क्या क्या बचता है। तो देखिए सेक्शन बी में ये भी 50 नंबर का ही बचा है, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया, जनरल इंग्लिश ग्रामर, मतलब हम लोग को जनरल इंग्लिश ग्रामर मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस इंटेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये सब आते हैं, तो ये कितना नंबर में आएगा, 8 नंबर में आएगा। तो अब देखिए सबसे पहला इसमें क्या दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ 2 एनी वंस, मतलब 2 में से कोई एक ही करना है, ये कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, ठीक है, मतलब 8 नंबर में आएगा, 8 नंबर में उसमें लाइन बाय लाइन करके 2-2 नंबर का आएगा। देखिए दूसरा क्या दिया, सिंथेसिस आउट ऑफ द 2 एनी वंस, मतलब 2 आएगा उसमें से कोई एक ही करना है, ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर का आएगा। अगला आता है हम लोग का क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आउट ऑफ द 2 एनी वंस, ये भी वही रहेगा, मतलब 2 में से कोई एक करना है, भी 2 नंबर का रहेगा। अगला आता है हम लोग का क्या, सिंटैक्स, ठीक है ना, तो सिंटैक्स भी वही रहेगा, आउट ऑफ द 2
एनी वंस, मतलब ये कितने नंबर का, दो नंबर करेगा। तो ये पूरा यहाँ तक आ गया पूरा दो दो नंबर का, मतलब कितना होगा, दो दो चार दो छः दो आठ, आठ नंबर का ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश जनरल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब आते हैं इसमें देखिए वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में 14 नंबर का आएगा, ध्यान से देखिएगा 14 नंबर का, ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा करने से आप लोगों को 14 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए क्या रहेगा, साइनोनिम्स, साइनोनिम्स रहेगा तीन रहेगा एक एक नंबर का, ठीक है ना, तो कितना नंबर, तीन नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। फिर देखिएगा एंटोनिम्स, ये भी एक एक नंबर का तीन रहेगा, तीन एक तीन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है होमोफोन्स, ये एक नंबर का एक ही रहेगा, तो इसमें एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब एक शब्द हटाने की क्रिया होती है, ऐसी क्रिया, तो ये तीन आएगा एक एक नंबर, तीन करने तीन नंबर हम लोग को मिल जाएगा। अब आते हैं अगला आइडल्स फॉर्म एंड फेस, ठीक ना, ये भी तीन ही आएगा, एक एक नंबर का तीन हो जाएगा। अब देखिए तीन तीन न छः, तीन तीन न तीन चुक बारह, बारह दो चौदह, चौदह नंबर का हो जाएगा कि नहीं, हो गया ना चौदह नंबर, ये हम लोग का पूरा चौदह नंबर का हो जाएगा। अब आते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हिंदी से इंग्लिश में ये हम लोग को दस नंबर में आएगा। बस ये आता है जैसे कि पुराने 150 वर्ष या 250 वर्ष पुराने, इस टाइप का पुराने पुरानी कथाओं को इसमें आके आप लोगों को देगा, ठीक है, तो उसमें ये आएगा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी नहीं आएगा, याद रखिएगा, वो हटा दिया गया है। अब आता है राइटिंग एसे, एसे हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये वही हम लोग को 60 वर्ड में आएगा या 100 वर्ड में आ सकता है, तो कितने नंबर का, 12 नंबर का ये आ जाएगा एसे, ठीक है ना। अब आता है अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज दो क्वेश्चन आएगा, तीन तीन नंबर का, छः नंबर इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूरा 50 हो रहा है कि नहीं, तो 12 इसमें देख सकते हैं, 12 आठ 20, 20 20 20 40, 40 40 10 50, 50 नंबर का हो गया कि नहीं, 50 नंबर सेक्शन बी से आ गया, 50 नंबर सेक्शन ए से आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे, समझ गए, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करके उनको भी बताएं कि ये हम लोग का सिलेबस क्या क्या चेंज हुआ है, कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है, अब क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स का हम लोग को बता देंगे। आई होप वीडियो पसंद आया, धन्यवाद।